दोस्तों, आपने शंकर जी पर चढ़ाने के लिए भांग का उपयोग करते हुए श्रद्धालुओं को कई बार देखा होगा। यह बिहार के कई हिस्सों में सड़क के किनारे, खेत के किनारे, जंगल और झाड़ के रूप में उगता है। सिवान का गांव बिशुनपुर है, जहां पर आपको चारों ओर इस तरह के भांग दिख रहे हैं। यह भांग के पौधे हैं, कई लोग पूजा के रूप में तो कई लोग नशा के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। गाँव में सड़क के किनारे दिखा रहा हूँ, वीडियो में आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। कई स्थानों पर देखते होंगे कई प्रकार की झाड़ियाँ उगती है सड़क के किनारे। आपके क्षेत्र में सड़क के किनारे कौन सी झाड़ियाँ पाई जाती है, हमें कमेंट्स में बताएं। फिलहाल आपको दिखा रहा हूँ यह वीडियो, इसी में आप देख सकते हैं। यह गोहरा है जो कि जलावन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। महिलाएँ जाड़ा जब होता है उस समय इसे तैयार करती हैं और गर्मी में यह सूख कर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इसे फिर बरसात से पहले इसे घरों में संजो कर रख दिया जाता है और पूरे साल इसको जलावन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो यह है गोहरा, साधारण भाषा में इसे आप गोइठा भी बोल सकते हैं, जो कि बिहार के कई हिस्सों में तैयार किया जाता है। कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। जैसा कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हैं, खेत में, खलिहान में भांग की झाड़ियां आपको दिख रही हैं।